आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारे पास लेआउट का, कि हमने अपने वेब पेज इसका लेआउट को कैसे सेट करना है। उसके अंदर हमने जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमने उनकी पोजीशन को कैसे कंट्रोल करना है, और उसके बाद हमने मतलब डिफरेंट साइज स्क्रीन्स के लिए हमने डिज़ाइन कैसे करने हैं वेब पेजेस। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो इसमें हमारे पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो होती है हमारे पास पोजीशन की। ठीक है, पोजीशन की होती है। तो इसके लिए मैं ये आपको साथ के साथ अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। मैंने फोल्डर बना लिया है, इसको मैं यहाँ पर ओपन विद कोड कर लेता हूँ। और ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पर मैंने आकर दो पेजेस बनाने हैं, पहला HTML का और उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पर बनाना है CSS का। और उसके बाद यहाँ पर आके मैंने HTML के अंदर इसका ये बेसिक कोड राइट कर देना है, और यहाँ पर आके CSS की फाइल को लिंक भी कर लेना है। अब मैं यहाँ इसकी बॉडी में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर पोजीशन स्टैटिक। अब ये जो वैसे हम वेब पेजेस बनाते हैं, ये जो हमने इतनी प्रैक्टिस की है आज तक, ये जो हमने ऊपर जितने भी लेक्चर्स किए हैं उनके अंदर हम जो भी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, जो भी एलिमेंट हम यूज़ करते हैं उनकी जो पोजीशन होती है ना वो स्टैटिक होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे वेब पेज की पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है। मतलब कैसे? मतलब हमारे पास ये कि हमने एक एलिमेंट यूज़ किया है डिव का, अब वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिव जो है ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट डिव शुरू होगा वो उसकी अगली लाइन से होगा। मतलब वहाँ पर वो उसको छोड़ देगा और अगली लाइन से शुरू करेगा। इसलिए ये जो हमारे पास है ना, ये जो पोजीशन होती है ना, ये स्टैटिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे वेब पेजेस के अंदर। अगर हम इसको सेट करना चाहें पोजीशन स्टैटिक तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होती है, हमारे वेब पेजेस की पोजीशन स्टैटिक ही होती है। हम इसको, ये इसका सिंटैक्स है अगर हम पोजीशन स्टैटिक करना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे स्टैटिक ही होती है, तो ज़रूरत नहीं है इसको स्टैटिक करने की। फिर हम आगे चलते हैं। पोजीशन हमारे पास है रिलेटिव। पोजीशन हमारे पास है रिलेटिव। अब ये पोजीशन अप्लाई करनी है रिलेटिव, इसके लिए मैं यहाँ पे आके दो डिव बनाता हूँ। मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने दो डिव बनाने हैं और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ ब्लैक, और इसी तरह एक डिव मैंने नीचे बनाना है। ये डिव एक नीचे बनाया और इसको मैं क्लास दे देता हूँ वाइट। ये मैंने दो डिव बना लिए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ये मैंने इसको बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये जो मेरे एक ब्लैक क्लास रखी थी उस डिव को मैं यहाँ पे आके हाइट उसकी रख देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे इसकी मैं विड्थ भी सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे आके इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी रख देता हूँ, ये ब्लैक। इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सेम स्टाइलिंग हमने उसके ऊपर वाइट वाली क्लास के ऊपर भी करनी है। तो यहाँ पे जस्ट मैं ये नाम चेंज कर दूंगा, यहाँ मैं क्लास वाइट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी मैं इसका वाइट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको, ये जो मैंने बनाया हुआ है फाइल बनाई थी, इसको मैं यहाँ पे आके रन कर देता हूँ, ये इंडेक्स वाली। ये देखें, ये मुझे यहाँ पर ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट डिव है और ये हमारे पास है सेकंड डिव। तो ये दो डिव हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये देखें, ये अलग अलग हमें शो हो रहे हैं। मैं इनको एक ही लाइन में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके डिस्प्ले में इसको करूँगा। ये ब्लॉक है, ब्लॉक बना हुआ है, मैं डिस्प्ले इसका इनलाइन कर देता हूँ। ये हमने पढ़ा हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है और डिस्प्ले इनलाइन क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये गायब हो गया यहाँ से। क्यों गायब हुआ है? ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके डिस्प्ले इनलाइन करूंगा, ये इनलाइन तो बन जाएगा। ये देखें, ये जो था ये हमारे पास जो ब्लैक डिव था वो इनलाइन तो बन चुके अब, लेकिन वो यहाँ से खत्म भी हो गया। कैसे? जब हम डिस्प्ले इनलाइन करते हैं तो हमने डिव के उस एलिमेंट के ऊपर जो भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की होती है, जिस तरह बैकग्राउंड कलर हो गया, हाइट हो गई, विड्थ हो गई, वो खत्म हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि वो भी वहां पर रहे, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? उसके लिए मैं यहाँ यूज करता हूँ इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इनलाइन ब्लॉक यूज करूंगा तो ये देखें आप, अब ये जो है ना, मैं इसको भी आके दूसरे वाले को भी मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, अब दोनों को मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। अब इसकी देखें ना, इसका बैकग्राउंड कलर खत्म हुआ है, ना इसकी हाइट खत्म हुई है, ना इसकी विड्थ खत्म हुई है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मतलब ये जैसे उसके ऊपर जो जो प्रॉपर्टीज उसके ऊपर अप्लाई थी वो वैसे ही आ गई। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर दो ऐसे डिव और बना देता हूँ, सेम यही, इन्हीं को कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे चार बॉक्सेस शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इनको मार्जिन दे देता हूँ, इनके दरमियान गैप आ जाना है। मैं मार्जिन इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, मतलब चारों तरफ से बॉक्स के चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का गैप आ जाना है। ये देखिए मैंने ब्लैक वाले को दिया, ये देखिए ब्लैक के चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का गैप आ गया। अब इसी तरह मैं इस नीचे वाले को भी दे देता हूँ आके मार्जिन 10 पिक्सल्स। मैंने इनको मार्जिन इनके ऊपर सेट कर दिया। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये चारों अब हमारे पास बन चुके हैं। ये एक हमारे पास ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इमेज को अपलोड करता हूँ। इस वेबसाइट के अंदर मैं एक इमेज भी लगा देता हूँ IMG, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये मैंने इमेज यहाँ लिखी हुई है, मैं यहाँ पे ये वाली लगा देता हूँ। और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास इमेज आ रही है। यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे इमेज आ रही है। मैं इस इमेज की थोड़ी हाइट विड्थ इसकी मैं सेट कर देता हूँ। इमेज थोड़ी ज्यादा बड़ी आ रही है, मैं इसकी आके इमेज की हाइट विड्थ सेट कर दूंगा। और उसके बाद इसकी हाइट भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये इमेज अब थोड़ी ज़्यादा ही छोटी हो गई है। इसको हम हाइट इसकी रख लेते हैं 180। मैं इसकी हाइट विड्थ रख लेता हूँ, वो भी ठीक थी वैसे। मैंने 200 इसकी हाइट विड्थ रख ली। मैं इसको यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये देखें ये मुझे यहाँ पे शो हो रही है नीचे वाली लाइन में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब ये मैंने यहाँ पे चार बॉक्स डिप बनाए हुए हैं और ये एक इमेज लगाई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं यहाँ से मूव करा सकूँ, इधर ला सकूँ या इधर ला सकूँ, जहाँ कहीं भी ला सकूँ। वो मैं कैसे लाऊंगा? अब देखें यहाँ पर हमारे पास बुक के अंदर उसने दी हुई है प्रॉपर्टीज, एक पोजिशन रिलेटिव और एक उसने दी हुई है पोजीशन एब्सोल्यूट। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको पहले पोजीशन रिलेटिव समझाता हूँ, उसके बाद पोजीशन में आपको एब्सोल्यूट समझाऊंगा। अब मैं यहाँ इमेज पे आता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव मैंने इसको कर दिया। अब ये रिलेटिव होता क्या है, ये देखें रिलेटिव है ना। अब ये है, यहाँ पे ये इमेज लगी हुई है। अब मैं इसको रिलेटिव दे रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये यहीं से इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, मतलब ये यहीं से जगह छोड़ेगा। ये हम पोजीशन देते हैं ना, इसके साथ पोजीशन रिलेटिव करके हम इसके साथ और भी देते हैं। मतलब हमने टॉप से कितनी जगह छोड़नी है, टॉप से मैं कहता हूँ 30 पिक्सल्स, और इसी तरह हमने लेफ्ट से कितनी छोड़नी है, लेफ्ट से मैं कहता हूँ 40 पिक्सल्स। तो अब देखें मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसने टॉप से भी जगह छोड़ दी और लेफ्ट से भी। अब मैं अगर इसको थोड़ी ज़्यादा कर दूं, ये देखें अगर मैं इसको टॉप से 30 कर दूं और मैं यहाँ पे राइट कर दूं 40 पिक्सल मतलब ये राइट साइड से 40 पिक्सल जगह छोड़ के आ जाएगा यहाँ पे, ये देखें। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट थोड़ा बढ़ा दूं, लेफ्ट मैंने यहाँ कर दिया 100 पिक्सल्स, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल्स पे आ गया। अब ये रिलेटिव होता क्या है, मतलब यहाँ पर मैंने लगाया ना, अब ये इमेज पहले जहाँ पे थी ये उसी पोजीशन से हिसाब से मतलब टॉप हो रही है या लेफ्ट हो रही है या राइट हो रही है या डाउन हो रही है, जो भी हम डाउन भी यहाँ लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये पोजीशन रिलेटिव था, मैं यहाँ अगर आके पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दूँ यहाँ पे, और अब इसको मैं टॉप 30 पिक्सल दे दूँ और लेफ्ट 100 पिक्सल दे दूँ, तो ये क्या करेगा, ये पूरे वेब पेज पे देखेगा, टॉप से 30 पिक्सल छोड़ देगा और लेफ्ट से 50 पिक्सल। ये पूरे वेब पेज से देखते हैं, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है ये पूरे वेब पेज से, मतलब स्टार्टिंग से देखेगा, टॉप से ये जो मैंने यहाँ दिया है टॉप से ये 30 पिक्सल छोड़ देगा और लेफ्ट से 100 पिक्सल छोड़ देगा। लेकिन अगर मैं पोजीशन रिलेटिव यूज़ करता हूँ तो वो क्या करेगा, जहाँ पे इमेज लगी हुई है वहीं से वो छोड़ेगा, मतलब जितना मैं अगर टॉप से 30 पिक्सल कहता हूँ टॉप से 30 पिक्सल छोड़ेगा, लेफ्ट से अगर मैं 50 कहता हूँ तो वो लेफ्ट से 50 छोड़ देगा, और इसी तरह मैं राइट से कुछ कहता हूँ तो वो राइट से छोड़ देगा। अब मैं यहाँ पे आके देखें, ये टॉप मैंने 30 पिक्सल का है, लेफ्ट मैंने 100 पिक्सल का है, मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये इमेज यहाँ पे आ गई, मतलब टॉप से उसने क्या छोड़ा है, टॉप से 30 पिक्सल और लेफ्ट से 100 पिक्सल। मैं इसको लाना चाहता हूँ इस बॉक्स के दरमियान में, इस ब्लैक बॉक्स के दरमियान में, कैसे लाऊंगा, ये देखें मैं यहाँ पे टॉप पे इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा नीचे आ गई, मैं इसको 25 कर देता हूँ टॉप से, और लेफ्ट से मैं यहाँ कर देता हूँ 80 कर देता हूँ, और अब यहाँ पे आके इसको देखें रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी टॉप से सही आ गई है, लेफ्ट से इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, लेफ्ट से मैं इसको 60 कर देता हूँ, अभी भी ये थोड़ा वो है, मैं इसको लेफ्ट से 30 कर देता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पर आप कि ये इमेज जो है ये इसके सेंटर में आ चुकी है। तो मतलब मैं इस तरह इमेज को यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मैं इस वाइट वाले में ले आऊँ इसको, मैं इस वाइट वाले में भी ला सकता हूँ। मैं लेफ्ट से क्या करूँगा, यहाँ से लेफ्ट से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया, अभी ये थोड़ा वो है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ लेफ्ट से, तो ये देखें यहाँ सेंटर में आ चुकी है। अब अगर मैं राइट से लाना चाहूँ तो राइट से भी मैं इसको ला सकता हूँ, ये देखें यहाँ राइट पे आता हूँ मैं, राइट इसको मैं 50 कर देता हूँ तो ये देखें ये राइट साइड से 50 पिक्सल जगह छोड़ दिया, ये देखें ये राइट साइड से इसने 50 पिक्सल छोड़ दी। मैं अगर इसमें लाना चाहता हूँ मैं यहाँ राइट से थोड़ा बढ़ा दूंगा, 100 कर देता हूँ तो ये राइट से क्या करेगा, यहाँ आ गया। अब राइट से ये बढ़ता जाएगा, मैं इसको अगर 160 कर दूँ तो ये देखें ये तकरीबन उसके बीच में आ जाएगा। ये देखें मैं इसको थोड़ा और भी इधर कर सकता हूँ, राइट से बढ़ा दूँ तो ये इस तरह इधर आ जाएगा। तो इस तरह हम ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब पोजीशन ये कौन सी थी, एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट क्या करता है, मतलब स्टार्टिंग से देखता है, मतलब जहाँ पे वेब पेज शुरू हो रहा है वहाँ से ये उसको देखता है कि हमने टॉप से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से या राइट से या डाउन से, जितना भी है। और जो पोजीशन रिलेटिव है वो जहाँ पर हमने इमेज लगाई हुई है, अगर मैं उस इमेज को पोजीशन रिलेटिव दे दूँ तो वो फिर उसी जगह से, जिस तरह यहाँ इमेज थी, फिर वो उसी जगह से क्या होगा, वो टॉप से छोड़ेगा और लेफ्ट से या राइट से जो भी है, फिर वो उसी जगह से वो उसका छोड़ेगा। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है बुक के अंदर, ये बुक मैं ओपन करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई, पोजीशन फिक्स्ड, नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन फिक्स्ड, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ पोजीशन फिक्स के लिए, मैं बुक से ही पैराग्राफ को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने इतना बड़ा लिखा है क्यों, क्योंकि मैं अपनी वेब पेज के अंदर स्क्रॉल डाउन बना सकूँ जो होता है साइड से, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजीशन फिक्स लगानी है। ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे बन गया, ये भी थोड़ा बना है, मैं इसको थोड़ा और पैराग्राफ को बड़ा कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे पास काफ़ी मतलब सही तरीके से स्क्रॉल डाउन बन गया, ये देखें ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है। ये देखें, ये अब स्क्रॉल डाउन हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, ये देखें। तो अब मैं आपको बताता हूँ पोजीशन फिक्स होता क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक बना हुआ होता है, एक नेव बार बना हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि होम टैग, होम टैब या फिर प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट अस, ऐसा कुछ होता है। और जब हम उसको ऐसे ड्रॉप डाउन कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे फिक्स खड़ा होता है। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे हमें ये जो क्रोम, ये जो हमारे पास ब्राउजर है इसका, ये देखें यहाँ पे फिक्स खड़ा है। जिस तरह यहाँ जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, मैप्स हो गया। मैं इसको देखें स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे फिक्स खड़ा है, यूट्यूब, मैप्स, जीमेल। तो इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं भी अपनी वेब पेज के अंदर कोई पोजीशन फिक्स लगाऊँ तो वो कैसे लगाऊंगा, वो मैं आपको देता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे आके एक इमेज लगाता हूँ इस पैराग्राफ के बाद, img इमेज। और यहाँ मैं इसका, ये इमेज मेरे पास एक पड़ी है एरो वाली, मैं एरो वाली इमेज लगा देता हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये एरो वाली इमेज मेरे पास यहाँ भी आई है। मैं इस ऊपर वाले को खत्म कर देता हूँ, ये जो ऊपर से है ना। मैं इन डिव्स को खत्म कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ कमेंट कर रहा हूँ मैं इनको। अब देखें, मैं यहाँ आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास एरो वाली इमेज यहाँ पे आई है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर, ये जो इमेज है इसके ऊपर मैंने प्रॉपर ये अप्लाई किया हुआ था। ये देखें, ये मैं अगर इसको कमेंट कर दूं, जो मैंने इमेज के ऊपर प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब आप देखें कि ये मेरे पास इमेज मुझे कहाँ शो हो रहा है, ये एरो, ये देखें ये एंड पे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एरो है, मैंने ये यहाँ पे ये स्क्रॉल डाउन करना है, ये एरो यहाँ पे बना हुआ है और जैसे ही यूजर इसके ऊपर क्लिक करे तो वो ऊपर चला जाए, मतलब ऊपर, सबसे ऊपर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पोजीशन को कर देता हूँ फिक्स, पोजीशन को मैं कर दूंगा यहाँ पे आके फिक्स्ड। और अब मैं यहाँ पे आके देखें इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये यहाँ पे बना हुआ आ गया। मैं यहाँ इसको देखें स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, ये इसकी पोजीशन फिक्स है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आई, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ से डाउन से मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ डाउन, डाउन नहीं बॉटम होता है, डाउन नहीं बॉटम होता है, यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ बॉटम। और उसके बाद यहाँ मैं राइट से इसको यूज़ कर लेता हूँ 50। और इसको मैं यहाँ पे आके देखें रिफ्रेश करता हूँ अब, तो ये देखें ये नीचे आ गया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और नीचे लाना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, बॉटम से मैं इसको कर देता हूँ 5 और राइट से मैं इसको कर देता हूँ 30। और अब देखें यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको देखें यहाँ पे, अब मैं इसको देखें स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ पर आप पीछे लिंक भी लगा सकते हैं, मतलब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे ऊपर ले जाए, ऐसे। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं, पोजीशन फिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं बुक की तरफ, कि बुक में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है पोजीशन फिक्स के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जेड इंडेक्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जेड इंडेक्स। उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ और ये सारा पैरा मैं कमेंट कर देता हूँ पहले, ये जो कुछ भी मैंने किया हुआ है। उसके लिए मैं यहाँ पर 2 अलग से पैराग्राफ बनाऊंगा छोटे छोटी, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पूरे को भी मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। ये सारा भी यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जेड इंडेक्स में आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आके इसको ये रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया। इंडेक्स वाली फाइल में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं डिव बनाता हूँ एक, और इस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ माई नेम इज मोहम्मद अहमद। ये मैंने यहाँ लिख दिया। सेम इसी तरह मैं इसी डिव को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ जस्ट माय नेम कर दिया और यहाँ पे मैं आके कर देता हूँ इसका मैं डीप को दे देता हूँ क्लास फर्स्ट की और इस नीचे वाले डीप को मैं क्लास दे देता हूँ सेकंड की। और यहाँ पर आके मैं इनको कर लेता हूँ क्लास फर्स्ट को मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता हूँ, उसको मैं विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल्स और उसको मैं हाइट दे देता हूँ 30 पिक्सल्स और इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरे पास पहला आ रहा है। इसी तरह दूसरे वाले को भी मैं यहाँ नीचे दे देता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके ये नीचे वाले को भी सेम दे देता हूँ, बस कलर वहाँ चेंज कर दूंगा और क्लास नेम चेंज कर दूंगा। यहाँ मैंने यूज़ की थी सेकंड इसके लिए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेकंड और इसकी विड्थ भी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ 200 कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी इसका मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने येलो कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैंने क्या करना है इसको आपके लिए, मैंने यहाँ पे आपको जेड इंडेक्स समझाना था तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं यहाँ सेकंड वाले में आता हूँ और सेकंड वाले में मैं आके यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ और टॉप से मैं इसको कह देता हूँ टॉप से हो जाए 50 पिक्सल्स मैं इसको कह देता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये टॉप से आ गया 50 पिक्सल। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ टॉप से मैंने इसको 20 पिक्सल कर दिया, ये देखें। उसके बाद इसको अभी मैं और कम कर देता हूँ, मैं इन दोनों की ये विड्थ सेम रख लेता हूँ 400 ही कर देता हूँ इसको भी ताकि वो नीचे से शो ना हो हमें फिर, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले जाऊँ टॉप पर, ये देखें हाइट इसकी टॉप से मैंने इसको 20 किया हुआ है, मैं यहाँ पे अगर इसको 18 कर दूँ तो अब आप देखेंगे कि ये जो है ये सारे का सारा पीछे वाला जो है वो छुप गया। मैं इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ, हाइट इसकी मैं 40 कर देता हूँ और इसकी भी। तो अब देखें मैंने जो भी किया ना ये पीछे वाला जो डीप था वो छुप गया है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने यहाँ पर पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ की है। कभी कभार ऐसा होता है कि पीछे वाली चीज़ हमें नज़र नहीं आती, अगर आपके पास पोजीशन को यूज़ करते हुए ऐसा कोई सीन आ जाए तो आपने क्या करना है यहाँ पे आके एक जेड इंडेक्स, आप पीछे वाले को शो करवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ जेड इंडेक्स करना है और जेड इंडेक्स को वैल्यू दे देनी है -1। जब आप जेड इंडेक्स लगा के -1 वैल्यू दोगे तो ये जो ऊपर वाला होगा ना, ये जो ऊपर वाला डीप होगा ये पीछे चला जाएगा और पीछे वाला ऊपर आ जाएगा। ये देखें ऊपर वाला जो था वो नीचे चला गया येलो वाला और ये वाला जो था ये ऊपर आ गया। ये जेड इंडेक्स की वैल्यू या तो -1 होती है या +1 होती है। अब मैं अगर इसको आके यहाँ +1 कर दूँ तो अब आप देखेंगे ये सेम दोबारा उसी हालत में आ जाएगा, मतलब नीचे वाला उठ के ऊपर आ जाएगा। ये देखें तो हम इसलिए यहाँ पे जेड इंडेक्स को भी यूज़ कर देते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास है फ्लोट। तो ये मैं आपको समझाता हूँ फ्लोट क्या होता है, मैं इसी से आपको समझा देता हूँ। मैं ये कर देता हूँ पोजीशन तक कमेंट और उसके बाद इस ऊपर वाले में मैं आके इसकी थोड़ी सी विड्थ को मैं कम कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखिए मैं ये कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आके फ्लोट को यूज़ करता हूँ, फ्लोट को यहाँ पे आके यूज़ करता हूँ फ्लोट और इसको मैं कह देता हूँ लेफ्ट। फ्लोट हम राइट भी कर सकते हैं, फ्लोट हम लेफ्ट भी कर सकते हैं और इसको भी मैं फ्लोट कर देता हूँ यहाँ पे आके लेफ्ट। दोनों को मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास डीप है ये यहाँ से उठ के इसके आगे आ जाएगा। ये देखें ये दोनों डीप आपस में मिल गए हैं। अब मैं यहाँ चाहता हूँ एक और डीप लगा दूँ, वो भी मैं लगा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके आगे पेस्ट कर दूं, इसी को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये डीबी एक और आ गया, आगे वही वाला। अब देखें मैं जैसे ही यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना फ्लोट, इसका एक और काम है, ये हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। अब देखें मैं जैसे ही मतलब हमारा जो वेब पेज होता है, जो हमारा स्क्रीन साइज होता है, ये उसी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देते हैं। अब ये देखें मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये देखें ये उसी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर रहे हैं। मतलब जैसे ही वो जगह पूरी होती है उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो हम इस तरह इससे मतलब अपनी वेबसाइट को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये होता है हमारे पास फ्लोट। क्या होता है फ्लोट? मतलब जहाँ पे डिप खत्म हो रहा है उसके आगे उसको ले जाएगा, मतलब जो भी एलिमेंट जहाँ पे खत्म हो रहा है वो उसको उसके आगे ही ले जाएगा, वहीं से उसको शुरू कर देगा। अब इसमें हमारे पास एक और मसला भी है, वो क्या है ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें मैं यहाँ पे आके एक पैराग्राफ लिखता हूँ, index.html वाली फाइल में आके मैं एक पी टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ में बुक्स ही कॉपी कर लेता हूँ, कोई यही वाला ही।